After discussing basic theoretical points related to functions, next one, some practice examples related to previous discussed property about functions. Next one, first one. In that case, we want to discussing execution flow with respect to function and loops. First one, first of all, execution start kahan se hoga? From main functions. Then, इस केस में कोई भी stack diagram implement करने की जरूरत नहीं, simply find out क्या करना होगी, execution flow means control flow के sequence में statements को execute करेगा. First one, main function execution flow starts from main. First of all, सबसे पहले message print होगा S5. After displaying S5, then next one, in case of third case में call क्या हो रहा है M1 function. जैसे ही function M1 call हुआ तो M1 क्या इस केस में called function manager calling function. Immediately execution control send करेंगे header of the M1. Then sequence 4, 5. इस केस में create किया जाएगा simply variable I with the initial garbage values. Next one sixth case में display क्या हो रहा है simply again message as S1. S1 print होने बाद कंडीशन में लूप के अकॉर्डिंग आई का इनिशियलाइजेशन किससे होगा 0 से, इन कंडीशन टेस्टिंग 0 less than 5 कंडीशन इज ट्रू. इस केस में लूप को कॉन्सेंट्रेट करने की नहीं, सिंपली आपको एग्जीक्यूशन फ्लो चेक करना है. जैसे इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो बॉडी सेशंस के अंदर, सेवेंथ केस में क्या था इनिशियलाइजेशन, 8th केस कंडीशन टेस्टिंग, 9th केस क्या अगेन पुट्स डिस्प्लेइंग नेक्स्ट मैसेजेस S2. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद फाइंड आउट क्या हो रहा है 10th केस में ब्रेक स्टेटमेंट. जैसे ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट का वर्किंग क्या है टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ लूप और टर्मिनेटिंग स्विच केस. इस केस में लूप के अंदर फाउंड हुआ इसलिए एग्जीक्यूशन किसका टर्मिनेट हो ओनली करेंट लूप. तो इस केस में स्किप क्या हुआ ओनली स्टेटमेंट S3. इमीडिएटली कंट्रोल सेंड करेंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. इसके जस्ट बाद नेक्स्ट मैसेज क्या है पुट्स S4. चांस किसको मिलेगा S4 प्लस लूप का एग्जीक्यूशन ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, इसके जस्ट बाद फंक्शन M1 का एग्जीक्यूशन फिनिश होने वाला है. देन 10th दिस वन इज 11th स्टेट. देन 12th केस में कंसीडर करने जाए क्लोजिंग के जस्ट बाद कंट्रोल सेंड करें टू इट्स कॉलिंग प्लेस मींस इनसाइड मेन फंक्शंस. कंसीडर करें एज 13 मींस जब भी किसी फंक्शंस को कॉल करोगे फंक्शन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज आपको वन थिंग क्लियर रखना है, जिस प्लेस से कंट्रोल सेंड हुआ वापिस भी कहाँ आएगा ऑलवेज सेम प्लेस. दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ द फंक्शन. फिर जिस प्लेस से आप चलोगे रिटर्न मीन्स वापिस भी कहाँ होगे सेम प्लेस. इन सेकेंड इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका. देन 14th केस में चांस किसको मिलेगा पुट्स एस सिक्स. नेक्स्ट वन क्लोजिंग ऑफ मैन. इस फाइनल इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट हुआ है S5, S1, S2, S4 और S6. मीन्स सिमिलर टाइप के पैटर्न डिस्कस करेंगे मीन्स हाउ मेनी वे ऑफ टर्मिनेटिंग लूप और टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ